आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस समय स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चल रहा है। स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर ये है 2023-2024। आइए अब इसको पलटते हैं और देखते हैं आज सप्ताह दो में हमें क्या करना है। सप्ताह एक का मैंने पहले वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। इस तरीके से है ये सप्ताह दो, आइए इसे देख लेते हैं। सप्ताह दो, उत्तर प्रदेश शासन, निपुण भारत, और यहाँ ये बाल वाटिका। यहाँ देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। देखिए दोस्तों, इसमें हमें स्कूल में आते समय जब हम विद्यालय खोलते हैं उसके बाद हमें क्या करना है इसके बारे में दिया हुआ है कि मॉर्निंग सर्कल टाइम में हमें ये 30 मिनट क्या क्या करना है इसके बारे में देख लेते हैं। मॉर्निंग सर्कल टाइम में स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, बच्चों से बातचीत एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रत्येक दिवस किया जाएगा। शिक्षक स्वयं से भी अपने अनुभव जोड़ सकते हैं। तो ये जो मॉर्निंग सर्कल टाइम है ये 30 मिनट का, ये 6 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 6 दिन करना है। जो ही हम विद्यालय खोलेंगे तो 30 मिनट तक ये हमको प्रोग्राम इसको करना है। अब है स्वतंत्र खेल, इसका भी समय 30 मिनट है। इसमें देखते हैं स्वतंत्र खेल में शिक्षक कक्षा को विभिन्न कोनों में बांट लेंगे और बच्चों को मौका देंगे कि वो उस दिन उनके अनुसार किस गतिविधि को करना पसंद करेंगे। ब्लॉक, पहेली, फजल कोना, गुड़िया घर, कला कोना, किताब कोना, उपहार के तौर पर, इस तरीके से जो स्वतंत्र खेल है उसको हम लोग कराएंगे। और अब आता है भाषा और साक्षरता कौशल, ये 30 से 35 मिनट का समय है। इसमें देखिए दोस्तों, हमें 6 दिन किस तरीके से इसे कराना है इसके बारे में दिया हुआ, तो आइए देख लेते हैं। मौखिक खेल, गिनो मेरे शब्द, वाक्य में शब्दों को गिनना ये है, और फिर बिग बुक से कहानी पढ़कर सुनाना एवं उससे संबंधित चर्चा करना। मंगलवार के दिन है बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाना। फिर बिग बुक से शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी को पढ़ें, साझा पठन, और बच्चे अपने शब्दों में कहानी सुनाएं। तो बिग बुक में जो भी ये बिग बुक में जो कहानी रहेगी उसको क्या करना है कि पहले हमें बच्चों को पढ़ के सुनाना है, फिर बच्चों के साथ पढ़ना है, फिर बच्चों से कहना है कि वो कहानी को अपने शब्दों में बताएं। अब बुधवार के दिन देखिए क्या करना है, तुकांत शब्दों वाली सरल कविता गाना और तुकांत शब्दों को पहचानना। फिर है बच्चे अपने शब्दों में पढ़ी हुई कहानी दोहराएं और शिक्षक कहानी को लिखें, साझा लेखन है। और फिर बृहस्पतिवार के दिन है बच्चों द्वारा पिछले दिन पहचाने गए तुकांत शब्दों का दोहराव करना और उन्हें नए तुकांत शब्द बनाने के लिए कहना। फिर है अपनी भाषा में परिवेशीय चित्रों पर चर्चा करना, चित्र पर चर्चा, जैसे उनके परिवेश में जो कुछ भी है उनके बारे में उनसे पूछना है बच्चों को। और फिर है शुक्रवार के दिन शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनाना और किताबें उलटने पलटने के मौके देना एवं चित्र को देखकर कहानी का अनुमान लगाना। और ये छठवां दिन है, देखिए इसमें जो शनिवार के दिन चलो दोहराएं सप्ताह के छठे दिन सप्ताह भर की गई गतिविधियों का दोहराव करवाएं, शिक्षक अवलोकन या किसी अन्य आयु उपयुक्त माध्यम जैसे बच्चों से चर्चा करना, उनके लिखित कार्य को देखना आदि द्वारा बच्चों की प्रगति का आकलन करें, पोर्टफोलियो में बच्चों द्वारा किए गए कार्य को दर्ज करें। इस तरीके से हमें ये भाषा और साक्षरता कौशल का जो 35 मिनट का समय है इसको ऐसे करना है। अब आता है कला संबंधित गतिविधियां, ये 30 मिनट का समय है। इसमें बच्चों से मुक्त चित्रकारी कराना है और कागज के छोटे छोटे टुकड़े में फाड़कर शैला का कोलाज बनाना है। फिर अपनी मनपसंद चीजों को दिखाकर चर्चा और चित्रकारी करना। फिर बच्चों द्वारा घर के रोजमर्रा के कामों का अभिनय करना। और फिर है पहले सुनाई गई कविता
कहानी के आधार पर कोई भी चित्र बनाना। इस तरीके से हमें ये 6 दिन ये काम इसको करना है। अब इसके बाद भोजन अवकाश हो जाएगा, फिर इसके बाद आता है गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच, ये 30 मिनट का समय है। इसमें देखिए क्या करना है, स्वाद की पहचान करना, नमकीन खट्टा मीठा, पानी में नमक चीनी और नींबू का रस घोलकर अंदर और बाहर की अवधारणा जैसा कि हमें मिला हुआ है पोस्टर, तो उसको बच्चों को दिखा करके उनसे पूछना है। फिर क्रमबद्धता, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, 5 वस्तुओं के साथ ये भी दिया हुआ है, और जो हमें किट मिली है उसमें भी इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें बच्चों को दिखा करके पूछ सकते हैं, बहुत ही अच्छा चीज है। और नरम और सख्त की अवधारणा वस्तुओं के साथ, और क्या गायब है, 7-8 वस्तुओं को लेकर गतिविधि करें। और साप्ताहिक पुनरावृत्ति में है यहाँ पे कि अलग अलग स्वाद के खाने की वस्तुओं को पहचानना, अंदर बाहर नरम और सख्त वस्तुओं को ढूंढना। ये हो गया। अब आते हैं यहाँ बाहरी खेल, देखिए 30 मिनट का है। इसमें तोते का हुक्म खेल, ये तोते का हुक्म जो खेल है इसको बच्चों को कराना है। और फिर प्यारी पूसी आगे जाओ खेल, और फिर बुधवार के दिन है पहाड़ी में आग खेल, और बृहस्पतिवार के दिन है गोले के अंदर बाहर कूदना खेल। इस गतिविधि को मैं कई बार करा चुका हूँ, आप लोग पीछे जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनमें देख सकते हैं आप। सुरंग पार करने का खेल और बच्चों का मनपसंद खेल, इस तरीके से हमें ये खेल कराना है। और अंतिम में आता है दोस्तों गुड बाय सर्कल टाइम, ये 30 मिनट का समय है। शिक्षक बच्चों से मेरे पसंद का खाना क्या है पर चर्चा करें, बच्चों के अनुभव को शामिल करने के मौके दें। शिक्षक एक झोले में कुछ परिचित वस्तुओं को रखें और बच्चों को बारी बारी बुलाकर अपनी पसंद की वस्तुओं को निकालना और उनके बारे में बताने को कहें शिक्षक। और ये देखिए बुधवार के दिन क्या करना है, शिक्षक बच्चों से पूछें आज आपको कैसा लग रहा है, बच्चों को उनके मनोभावों को व्यक्त करने का मौका दें। फिर बृहस्पतिवार के दिन हमें क्या कराना है, शिक्षक बच्चों से पूछें कि आज उनके कौन कौन से नए दोस्त बने और उनके साथ उन्होंने क्या किया, इस पर उनके मनोभावों को व्यक्त करने का मौका दें। और शुक्रवार के दिन है शिक्षक बच्चों के साथ चर्चा करेंगे, मुझे गुस्सा कब आता है और क्यों, चर्चा इसको करना है। और शनिवार के दिन इस सप्ताह की गई गतिविधियों से संबंधित कोई भी चित्र बनाने को कहें। इस तरीके से दोस्तों ये सप्ताह 2 है, इसको हमें करना है। देखिए इस तरीके से है, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैंने इस तरीके से ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बच्चों का भविष्य संवारते रहिए। थैंक यू।